लता मंगेशकर लगभग एक महीने से बीमार चल रही थी। उन्हें 8 जनवरी को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लता मंगेशकर को कोरोना के साथ निमोनिया भी हुआ था। लता दीदी की उम्र को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में एडमिट किया था। तब से वो लगातार संघर्ष ही कर रही थी। हिंदी सिनेमा और म्यूजिक जगत को स्तब्ध करने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसे आपको बताते हुए हमें दुख हो रहा है। सबकी चहेती और भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली है। लता मंगेशकर के निधन की खबर से मनोरंजन जगत में सन्नाटा पसर गया है। लता मंगेशकर लगभग एक महीने से बीमार चल रही थी। 8 जनवरी को उन्हें कोरोना संक्रमित होने के बाद लता मंगेशकर को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लता दीदी को कोरोना के साथ निमोनिया भी हुआ था। लता दीदी की उम्र को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में एडमिट किया था। तब से वह लगातार संघर्ष ही कर रही थी। इलाज के दौरान बस 2 दिन के लिए उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया था। फिर जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, फिर से लता दीदी को वेंटिलेटर सपोर्ट पर लाया गया था। सोशल मीडिया पर लता मंगेशकर के निधन की खबर सुन फैंस और सेलेब्स शॉक्ड हैं। सभी संघर्ष की आत्मा को शांति मिलने की दुआ कर रहे हैं। फैंस की आंखें नम हैं। आज हर भारतीयों की आंखों में आंसू है। लता मंगेशकर की सुरीली आवाज उनके चाहने वालों के कानों में गूंज रही है। अब ये आवाज हमेशा के लिए मौन हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।